बुराड़ी में मारी गई प्रियंका आखिर क्यों है हर किसी की जुबान पर? दिल्ली में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 75 साल की बुजुर्ग से लेकर 15 साल के बच्चे तक की मौत हो गई है। परिवार के 10 सदस्यों की लाश एक ही जगह पर फांसी से लटकी मिली, वहीं बुजुर्ग की लाश साथ वाले कमरे में मिली। इस घटना के बाद पड़ोसी और रिश्तेदार लगातार एक ही नाम का जिक्र कर रहे हैं, वह नाम है प्रियंका भाटी, परिवार की नातिन 32 साल की प्रियंका। पूरी दिल्ली इस घटना से स्तब्ध है और हर कोई एक ही बात कह रहा है कि बहुत बुरा हुआ। रिश्तेदार कह रहे हैं कि अभी तो प्रियंका के हाथों से सगाई की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, पिछले महीने ही 17 जून को प्रियंका की सगाई हुई थी, वह बहुत खुश थी, दिसंबर में उसकी शादी होने वाली थी, पूरा परिवार प्रियंका की शादी को लेकर उत्साहित था, वो भी अभी से तैयारियों में लगी थी, लेकिन ऐसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रियंका के मंगेतर और होने वाले सास ससुर भी बुराड़ी घटना स्थल पर पहुंचे थे, वे लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। प्रियंका के मंगेतर ने कहा कि सगाई हुई थी, प्रियंका बहुत अच्छी थी, पूरा परिवार बेहद संजीदा था, जीवन शुरू करने के सपने ही देख रहे थे कि सब खत्म हो गया। बुराड़ी तो पहुंच गए लेकिन घर के अंदर का हाल ऐसा था कि रूह कांप रही थी, हर तरफ लाशें ही थीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ, सब उजड़ गया। बुराड़ी के इसी घर में मिली परिवार के 11 लोगों की लाश, वहीं प्रियंका के राखी भाई प्रवीण मित्तल बताते हैं कि प्रियंका मैसेज भाटी की नातिन थी, उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से वे और उसकी मां राजस्थान से आकर यहीं बुराड़ी में रहने लगे थे। प्रियंका की मां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि प्रियंका की पढ़ाई भी यहीं से हुई, उसने MBA किया था, वह नोएडा की एक कंपनी में काम भी करती थी। प्रियंका प्रवीण मित्तल को बचपन से ही राखी बांधती थी और भाई मानते हुए हर बात शेयर भी करती थी, उसने खुद ही बताया था कि सब ठीक चल रहा है। फिर उसके मामा ने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का पसंद किया जो सबको पसंद आया, प्रियंका की शादी तय हो गई। प्रियंका भी काफी खुश थी, 17 जून को अशोक विहार में दोनों की सगाई हुई थी, पड़ोसी और रिश्तेदार भी आए थे, बहुत दिन के बाद घर में खुशी आई थी, सब अच्छा था। प्रवीण कहते हैं कि एक दिन पहले उनकी एनिवर्सरी थी जिसमें प्रियंका आ नहीं पाई थी, तो वे शनिवार रात अपनी दोनों मामियों और बच्चों को लेकर उनके घर आई थी, प्रवीण और उनकी पत्नी के लिए गिफ्ट भी लाई, काफी अच्छे से बात की। फिर रात को 8:30 बजे करीब अपने घर लौटी थी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रवीण बताते हैं कि शनिवार रात ही प्रियंका और उसकी मामियों ने बताया था कि घर में सब ठीक चल रहा है, प्रियंका भी बहुत खुश दिख रही थी, उसने बताया कि दिसंबर में शादी होने वाली है, बस तारीख निकलवा रहे हैं, लेकिन क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, सब खत्म हो गया। वहीं पड़ोसी और प्रियंका के टीचर जितेंद्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका उनसे भी मिली थी, बहुत खुश थी, पूरा परिवार ही बहुत सजन था। इस घटना ने पूरी तरह झकझोर के रख दिया है, घर में कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी, पिछले साल मई से ऊपर कमरे बनाए जा रहे थे, दोनों भाइयों का बिजनेस भी अच्छा था, सब ठीक थे, घर में सभी एक साथ बैठकर पूजा करते थे, उन्होंने कभी उनके घर में झगड़े के बारे में नहीं सुना। ये मौतें सचमुच रहस्य बन गई, अभी तक यकीन नहीं हो रहा ऐसा कैसे हो सकता है।